लो एवरी वन लेट स्टार्ट टूडे अ वेरी फ्रेश टॉपिक सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं सी एम ए इंटर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स नाम के इस सब्जेक्ट के लिए हंड्रेड मार्क्स का ये सब्जेक्ट है एंड लेट मी गिव यू अ गुड न्यूज स्पेशली आफ्टर द न्यू सिलेबस दिस सब्जेक्ट विल बिकम मोर स्कोरिंग पहले भी स्कोरिंग था मार्क्स अच्छा आता था बट अब और ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है इसका दो मेन कारण है जो मैं आज, आज आपको बताऊंगा लुक एट द ये आपके इंस्टीट्यूट की मैट है एडिशन वाइज कई बार कवर और uh, सब कुछ चेंज होता रहता है now, अगर आप इस मार्क्स के पैटर्न को देखें किस टॉपिक से कितना वेटेज है मैंने इसको बोला कि अब ये और स्कोरिंग होने वाला है इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है कंपनीज एक्ट पहले 30 मार्क्स का आता था नाउ इट विल बी फॉर 40 मार्क्स एंड ऑल ऑफ अस नो

वो भी अगर तरीका रिविजन क्लासेस के दौरान मेन रेगुलर कोर्स के दौरान डेवलप कर लेते देन द थिंग्स बिकम वेरी इजी सो कंपनीज एक्ट थर्टी से फोर्टी हो गया पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है इनफैक्ट बुक्स भी मैंने देखा ओल्ड एंड ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ कलर्स इन्होंने थोड़ा तो बुक्स में भर दिया गुड न्यूज नंबर नेक्स्ट नंबर टू इंडस्ट्रियल लॉ कम कर दिया गया है अब सिर्फ इंडस्ट्रियल लॉ 15 मार्क्स का आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट क्योंकि ये लेबर लॉज इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ने में बोरिंग लगता था uh, students को बहुत एक बर्डन लगता था एक इसमें एक नया चीज हुआ है है 2019 ये का है। okay. Factories, Gratuity, Provident Fund, ESI पहले भी थे ये चार मिला के टेन मार्क्स का है। तो नाउ थिंग्स आर वेरी इजी फॉर यू यानी जो आपको बर्डन लगता था इंडस्ट्रियल लॉ में वो सिर्फ पंद्रह मार्क्स का हो गया इंस्टेड ऑफ पच्चीस तीस मार्क्स जो पहले थे दिस इज अग रिलीफ Now, इसमें एक नया चीज क्या आया है मी क्लैरिफाई नया चीज क्या है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया आइडिया आपको बेसिक्स बेसिक्स तो दिस इज इंटरेस्टिंग और यहां से एक sure आएगा में. वो भी कंपल्सरी पार्ट में मुझे लगता है तो so एक बार मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग देखने लगेंगे तब और क्लियर हो जाएगा सो दिस इज अव मार्क्स जोन और बाकी ये सारे जोन आपको जो दिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एन इंडियन पार्टनरशिप और एल एल पी मिला के आपका पढ़ा हुआ होता है हम लोग फिर पढ़ाएंगे आपको एंड एन एक्ट भी पढ़ा हुआ था फाउंडेशन में फिर से पढ़ लेंगे तो ये जोन जो होता है ना ये ट्वेंटी मार्क्स फिर भी लोगों को मैनेजेबल लगता है तो हम लोग आज सबसे पहले the very first day we will first start with the most practical aspect of your syllabus corporate laws hum log jab ye laws padhenge hum log institute ke mat ko bhi kabhi kabhi refer karenge hamare mat ko bhi refer karenge and then we will move on okay now one thing very very important uh, कुछ टॉपिक्स हम लोग इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ेंगे जैसे कि एथिक्स हम लोग इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ेंगे मैंने पहले भी बोला था एक वीडियो में जो YouTube में मैंने डाला था लॉ एंड लीगल सिस्टम से पढ़ेंगे। in के भी major portion हम लोग चाहेंगे कि मैट से पढ़ें तो बेटर हो तो लेट एस स्टार्ट फाइनली वी आर रेडी हम लोग पहले Companies Act वाला पोर्शन इंडेक्स में देखते हैं कहां पर आपके अपने अपने बिकॉज दे यूजली चेंज द पेज नंबर्स जहां पर भी कंपनीज एक्ट आपकी किताबों में दिया हुआ हो मेरे जो पास पर्सनल मेरी एडिशन है जो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ बहुत दिन से वहाँ पेज नंबर्स अलग हैं अपने अपने किताबों में आप इंडस्ट्रियल लॉज वाले सॉरी कॉर्पोरेट लॉज वाले जोन में आ जाइए सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंस्टीट्यूट मैट एंड मेरी मैट भी दी गई है आपको वो भी हम लोग यूज़ करेंगे समय समय पर सो वेर एवर किसी के थ्री थर्टी सेवन में कोई के पेज नंबर्स अलग हैं तो लुक इट द इंडेक्स एंड प्लीज़ रीच टिल दिस पर्टिकुलर जोन ज द कंपनीज एट तो आपके मैट के पैटर्न के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे बिकॉज कई बार क्या होता है सीए वालों की बहुत ज्यादा होती है सीएमए वाले के अनुसार ही हम लोग सब कुछ करेंगे थ्री थर्टी सेवन यस ओके कॉरपोरेट लॉज ओके ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक बैकग्राउंड कि भारत में जब कंपनीज एक्ट 2013 की हम बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 मैं अगर लिखूं एक लाइन यहां पर कंपनीज एक्ट 2013, ओके ये एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है पार्लियामेंट लॉ बनाता है कई मैटर्स पर कई मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 पर लॉ बनाया है बिकॉज यूनियन लिस्ट बोल के जो लिस्ट होता है पावर्स है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाता है और कंपनी लॉ पर जो लॉ बनाने का प्रावधान है दैट इज इन द यूनियन लिस्ट यानी कि पार्लियामेंट विल मेक लॉज ऑन कंपनी लॉ जब जब भारत में चेंजेस आएगा और इसके पहले भी कंपनी लॉ भारत में थे बिफोर दिस केम इन टू पिक्चर वी हैड कंपनी लॉ इन इंडिया पहले कंपनीज एक्ट 1956 था उसके पहले भी 1913 में कंपनीज एक्ट था तो 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट था वो रिपील हो गया लिखते रहिए संग-संग में थोड़ा-थोड़ा वो पूरा जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दिया गया एंड देन कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू पिक्चर रिपील मतलब पूरा एक्ट खत्म पुराना वाला नया लॉ आया है तो so, अमेंडमेंट क्या होता है आप लोग कई बार अखबारों में सुनते हो या टैक्स टीचर से आपने एक शब्द सुना होगा अमेंडमेंट एग्जिस्टिंग एक्ट में जब आप परिवर्तन लाते हैं दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट और रिपील प्लीज लिखिए हाथ को रनिंग कंडीशन में रखिए बीच में लिखते रहिए रिपील मतलब होता है पूरा ऑब्लिटरेशन एक इंग्लिश वर्ड है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ दी होल एक्ट जड़ सहित पूरा खत्म कर दिया गया है पुराना एक्ट सर क्यों परिवर्तन हम लो लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहते हैं ग्लोबली यूके जर्मनी वेस्टर्न कंट्रीज में कई प्रैक्टिस इंटरनेशनली फॉलो हो रही थी उनके कंपनीज में हम चाहते थे भारत में भी वो फॉलो हो भारत में बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए थे किसी को याद है मैं वेट करता हूं बताओ किसी को याद है इंडिया में 2013 के पहले कुछ लास्ट पांच छह सालों में मतलब 2007 से लेकर छह से लेकर बारह तक क्या बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे थे भारत में अब तुम थ्री जी स्कैम बोलोगे टू जी स्कैम बोलोगे वो अलग बात है बट बड़े स्कैम कौन से हो रहे थे इंडिया में याद करके बताइए जस्ट सोचिए मैं आऊंगा मुझे आप चैट सेक्शन में भी लिख के दे सकते हैं जब वीडियो पब्लिक होगी रिमेंबर सत्यम सहारा ग्रुप सत्यम का बड़ा बड़ा स्कैंडल भारत में हुआ था इसके कारण नए कंपनी लॉ को हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे तो अपने आप पहले फील करो चेंज क्यों हुआ सर बहुत दिन हो गया था चेंज कर लिया मूड हो गया पार्लियामेंट का नो 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 मेनी स्कैंडल्स वे टेकिंग प्लेस तो हम लोग चाहते थे बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन

ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल प्रैक्टिसेस हम चाहते थे भारत में भी फॉलो हो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। तो ये मेन दो कारण हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो फॉरेनर्स का पैसा भारत में कैसे लेकर आओगे इसलिए हम बहुत सारे चेंजेस भारत में लेकर आना चाहते थे और अभी भी आप देखोगे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं पता है कई बार फ्रेंड्स आपको डरा देते हैं कंपनी लॉ चेंज हो गया सुना 2015 में भी नया कंपनी लॉ आया था पता है 2017 में भी आया था पता है 2019 में भी आया था वो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं सर फर्क क्या है इन सेक्शन जो इसको यूट्यूब पर देख रहा हो चैट सेक्शन में लिखो देखते हैं बाद में तुम्हारे कमेंट सेक्शन में कितना तुम्हारे में दम है रिपील और अमेंडमेंट में फर्क क्या है जल्दी सोचो मैं यही हूँ इज द डिफरेंस एक चैट सेक्शन में लिखो तो सही पता चलेगा आपकी सोच क्या थी रिपील और अमेंडमेंट में फर्क क्या है मैं दस सेकेंड वेट करूंगा वट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपील एंड अमेंडमेंट यस रिपील में पूरा एक्ट ऑब्लिटरेट होता है अमेंडमेंट में चेंजेस आप लाते हैं इन द एग्जिस्टिंग एक्ट एग्जिस्टिंग एक्ट में आप चेंजेस लाते हैं और रिपील में कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द होल एक्ट तो कभी है ना फ्रेंड अगर बोल दे 2015 में भी एक कंपनीज एक्ट आया हुआ है अमेंडमेंट्स आए थे 2017 में भी अमेंडमेंट्स आए थे ओके तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको दिया कि कंपनीज एक्ट का मेन उद्देश्य नया चेंज और रिपील करके नया लाने का उद्देश्य क्या था बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हम ये सब चाहते थे जो आपने लिखा भी है और 1956 के पहले भी कई कंपनी लॉ थे वो रिपील होते जा रहे थे समय के अनुसार और ये होता रहता है तो कंपनीज एक्ट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया यस पूरे इंडिया को जम्मू कश्मीर को भी अप्लाई करता था तो कंपनी लॉ ऑफ कोर्स नाम के क्या पता चलता है इट विल कंसोलिडेट वेरियस लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज अब आपके मन में ख्याल आता है कंपनी क्या है वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी आपने कभी सुना होगा स्कूल कॉलेज में कंसर्न्स आपने सुना होगा पार्टनरशिप फर्म्स ये तो जानते थे दो दो लोग मिलकर पार्टनरशिप में काम करते पर जब काम का स्केल बढ़ने लगता है बड़ा स्केल पे आप जाने लगते हैं आपको डर भी लगता है लाइब्रिटी भी बढ़ रही है बिजनेस में तो वी प्रेफर कंपनी फॉर्म कंपनी फॉर्म का एडवांटेज क्या है अगर किसी को पता हो चैट सेक्शन में लिखिए वॉट इज एडवांटेज दैन वी से दैट वी आर फॉर्मिंग अ कंपनी मेन एडवांटेज क्या है कंपनी बनाने का बताइए यस। कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स मतलब क्या है सर कल को क्रेडिटर्स को कंपनी अगर पैसा ना चुकाए तो क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स के घर में जाकर पैसा रिकवरी नहीं कर सकता है। फर्म में बल्कि क्या होता था क्रेडिटर्स पार्टनर्स को भी बोल सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइबिलिटी है बट कंपनी में

पता मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है सोचिए कंपनी कहलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू बी अंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनी क्या बोल रहे हैं आप मैं बताता हूं अगर एक लाइन का आंसर कोई बोले आप लिख रहे हो अपने इंस्टीट्यूट मैट में भी तो हर समय हम इंस्टीट्यूट मैट नहीं फॉलो करेंगे आज बेसिक्स एक बार शुरुआत करवाने के लिए मैं इंस्टीट्यूट मैट दिखा रहा हूं दैट हाउ द थिंग्स विल बी शेफ कंपनी मींस अ कंपनी वाह रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट आप रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड हैं कंपनीज एक्ट के अंदर तो आप क्या माने जाओगे कंपनी सर बताइए ना मुझे

इंडिया में भी ऑफिस हैं इंडियन कंपनी नहीं माना जाएगा इंडियन कंपनी के लिए वो एंटिटी का रजिस्ट्रेशन अंडर इनकॉर्पोरेशन अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट होना चाहिए अंडरस्टूड एवरीवन। एवरी वन सो ये सब चीजें आप पहले भी मेरे से देखे होंगे या कभी आपने कभी YouTube में मेरे वीडियोस देखे होंगे पर आज हम लोग इंस्टीट्यूट मैट से बेसिक्स को ट्रिगर करना चाह रहे हैं तो आई जस्ट शो इट टू यू समथिंग मैं एक पीपीटी uh, आपको खोल कर एक दिखलाना चाहूंगा आई एम गेटिंग इट रेडी फॉर यू जस्ट अ सेकंड बेसिक जस्ट अ सेकेंड येस आपको कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट दिखाता लिंक में भी डाल दूंगा द कंपनीज एक्ट पहले भी सुना होगा थोड़ा सा बोर हो जाइए शॉर्ट टाइटल बोलते हैं इसको शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल होता है कि आखिर इस एक्ट का प्रीएम्बल सॉर्ट ऑफ थिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है इट इज एन एक्ट टू कंसॉलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज

बेयर एक्ट बी ए आर ई बेयर एक्ट हर सी एस सी एस सी एम ए की जान है एडवोकेट लॉयर्स वो बेयर एक्ट से हमेशा इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं तो ये जो लैंग्वेजेस मैं दिखा रहा हूं ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल सर आपकी तरफ से जो किताब मिली है उसमें कहाँ हो सकता है ये सारी चीजें जो हमारी तरफ से आपको किताब मिली है उसमें भी मैंने आपको एक दिन बताया था ये सब हमारे किताबों में भी है इनावर बुक्स ऑल्सो द सेम थिंग इज देअर बेसिक कॉन्सेप्ट बोल के एक आप एक दिन पढ़ोगे वहां पर भी देखोगे इस टाइप की चीजें आई जस्ट शो इट टू यू या मेरी किताब में शायद पेज फाइव या सिक्स में द कंपनीज एक्ट इट एक्सटेंस टू होल ऑफ इंडिया बोलो हाँ या ना ऐसी लाइन्स मिल रही है पक्का ओके okay. एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्वेश्चन आता है क्या कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को भी अप्लाई करता है या act, like NBFC, जो के अंदर है तो आंसर है ये ऑल्सो अप्लाई टू दीज कंपनी इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी मैं अपनी किताब से एक अंश दिखा रहा हूँ पेज फोर या फाइव से और अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्पेशल एक्ट एंड कंपनीज एक्ट एक्ट में तो ऑफ स्पेशल विल प्रिवेल यानी कि बैंकिंग कंपनी एक कंपनी है उसको कंपनीज एक्ट का भी पालन करना है पर कल को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ और बात लिखा है एक टॉपिक को लेकर कंपनी लॉ में कुछ और बात लिखा है तो कौन सा माना जाएगा चैट सेक्शन में जल्दी बताइए जाओ अगर वीडियो देख रहे हो अगर बैंकिंग में कुछ और लिखा है कंपनी लॉ में कुछ और लिखा है इन दैट सिनारियो विच विल अप्लाई कौन सा पोर्शन अपलाई करेगा ऐसे सिनारियों में जल्दी बताइए कंपनी लॉ में कुछ और लिखा है बैंकिंग लॉ में कुछ और लिखा है विल है स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द जेनरल लॉ क्योंकि कंपनी लॉ एक जनरल लॉ है तो स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ इज इट ओके जस्ट अ सेकेंड ओके okay. अब हम लोग क्या करने वाले हैं आज आपको मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बांटा हुआ है कौन से मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बनाता है कौन से इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है और कुछ मैटर्स में पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाते हैं कॉन्करेंट कैन यू गेट दीज वर्ड्स और सर जब कुछ नहीं लिखा रहता है सारे बचे हुए पार्स पार्लियामेंट के पास है बल्ले बल्ले ओके okay? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पीपीटी को कॉपी करने की दरकार नहीं सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स के लिए वैसे पीपीटी जी ड्राइव में आपको मेल कर दी गई है जिन्होंने फुल क्लासेस लिया है एंड बेटर ऑब्जेक्टिव क्या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ग्लोबल प्रैक्टिस एंड एक और वर्ड आ रहा है बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कि डायरेक्टर्स एथिकली मैनेज करें कंपनी को यह भी एक कारण है कि कंपनीज एक्ट में हम लोग चेंजेस लाते रहते हैं समय के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब थिकल मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्सेंगे आपको बैकग्राउंड बता दो मैंने कई बार बताया जैसे आज हम लोग पढ़ रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की बातें हो रही थी मेरी बात सुन रहे हो आप वी वर टॉकिंग टूडे अबाउट Ministry of Corporate Affairs, we were talking about Companies Act. अच्छा MCA नहीं बोला था मैंने कोई बात नहीं तो एक काम करते hain आपकी जो Institute Mat है ना jahan <coughs> पर अभी मैं आपको CMA Mat se padha से पढ़ा रहा था मैं main yahan मैं यहां हूं यहां पर एक चीज हाथों से अपने लिख लेते हैं दैट विल हेल्प आस इन बेटर अंडरस्टैंडिंग की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कंपनीज एक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कंपनीज एक्ट लिख लीजिए अपने सी एम एक्ट में पार्लियामेंट क्या करता है देखो लेजिस्लेचर हर लॉ में लेजिस्लेचर होता है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है जो इंप्लीमेंटेशन कराने में हेल्प करता है एंड एक जुडिशियरी होता है सो व्हाट इज हैपनिंग लेजिस्लेचर हो कौन हो गया पार्लियामेंट जो कंपनीज एक्ट बनाया है पार्लियामेंट हैज मेड द कंपनी लॉ ओके एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉ को इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प करता है यस सर नेक्स्ट वी हैव जुडिशियरी जब मैं कंपनी लॉ की बात करता हूं अच्छा ये फुलफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे अभी तक मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं लॉ का क्वेश्चन आंसर्स आप देखोगे थोड़ी देर बाद शुरू होंगे अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत बेसिक्स है यू कैंट इग्नोर इट तो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया अब लॉ कैसे बनता है ये भी सुना होगा लोकसभा में बिल पास होता है राज्यसभा में बिल पास होता है प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर करता है लॉ बन गया लागू हो जाएगा नहीं ऑफिशियल गैजेट में एक तारीख लिखी जाती है इस तारीख से यह लॉ भारतवर्ष को अप्लाई होने वाला है उस तारीख से तो लेजिस्लेचर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है एंड जुडिशियरी है यहां जो जुडिशरी का फंक्शन होता है ये पावर्स नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के एक बॉडी है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल लिखो ये हमारा हाईकोर्ट नहीं है ये कोर्ट की तरह है बट दिस इज डिफरेंट एक और नाम आपको मिलेगा यहां पर दैट इज नेशनल कंपनी लॉ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अपीलेट ट्राइब्यूनल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल तो व्हाट आर वी सीइंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ दी हैचर वी हैव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको बट पहले बैकग्राउंड रेडी हो रहा है लेजिस्लेचर है एग्जीक्यूटिव है जुडिशरी है एंड एक और पार्ट जुडिशरी में आप डालो ऑल ऑफ यू स्पेशल कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स ये सब हम लोग पढ़ोगे आने वाले क्लासेस में सो वट आर वी सींग दैट अगर मैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कंपनीज बोलूं, पार्लियामेंट एक्ट बना देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल्स बना बनाकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है एंड देन वी हैव जुडिशियरी एनसीएलटी के पास कई चीज के पावर्स है के ऑर्डर से आप खुश नहीं होते हैं तो आप एनसीएलएटी नाम की एक बॉडी है उसके पास जाओगे ये सब पढ़ेंगे मैंने सिर्फ अभी तक नामकरण लिखा है आई हैव इंट एक्सप्लेन इन द कमिंग क्लासेज इन योर सिलेबस विल बी टॉकिंग अबाउट इट एंड लास्ट है स्पेशल कोर्स तो अभी तक हमने बैकग्राउंड पढ़ा है कि हमारे भारत में कंपनी लोग क्यों बनाते हैं एक मेन कारण है कंपनी बनाने का कंपनी फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इट हैज अ सेपरेट एंटिटी इट हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू दिन पेड वैल्यू ऑफ द शेयर आप आने वाले क्लासेस में डिटेलिंग देखोगे ओके कारण लोग कंपनी बनाते हैं कंपनी में फॉर्मेलिटीज बहुत होता है जो सोल प्रोपराइटरशिप और फॉर्म में कम होता है बट फिर भी अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं तो वी ऑलवेज वॉन्ट टू मेक कंपनीज अब हम क्या करेंगे देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में कंपनी के टाइप्स इंक्लूडेड है फॉर्मेशन कैसे होता है कंपनी का वो इंक्लूडेड है एंड अब हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है सिलेबस में सेक्शन से लेकर ऑफ कंपनीज एक्ट पर है, मैं रिपीट कर रहा हूं जब मैं कंपनी की बात करूं तो ये टाइप्स एक दिन हम लोग देखने वाले हैं हम लोग सेक्शन वन से लेकर वन ट्वेंटी टू हमारे सिलेबस में है सर पूरा कंपनी लॉ नहीं है गुड न्यूज इंटर में पूरा कंपनी लॉ नहीं है सर बस खत्म नहीं डायरेक्टर्स में तो बहुत डिटेल में होता है और सीएमए फाइनल में डिटेल में डायरेक्टर्स नाम के टॉपिक से भी आठ मार्क्स आता है ओके डायरेक्टर्स नाम के टॉपिक से भी एट मार्क्स के आसपास हमारे सिलेबस में आ जाता है सर और क्या आता है <laughs> यहां पर पोर्शन ये न्यू सिलेबस में नया जुड़ के आया है दिस पोर्शन ये न्यू है न्यू सिलेबस में ये एक नया पोर्शन है ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल आईएफसी बोर्ड्स रिपोर्ट ऑडिट कमिटी हम लोग ऑडिट में पढ़ाते हैं ये सारी चीजें हम लोग ओल्ड सिलेबस ऑडिट में भी पढ़ाते हैं न्यू में भी है पर ऑडिट एंड लॉ में कुछ कुछ चीजें इन्होंने कॉमन कर दिया यहां पर शेयर होल्डर्स के राइट्स के एम पी के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज तो दिस इज न्यू तो यहां पे जरूर आज ही लिख लो सी एम ए मैट इस पोर्शन के लिए यूज होगा ये वाले पोर्शन के लिए मैं वापस बोल ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल आई एफ सी राइट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड के एम पी सी एम ए मैट यूज होगा और वन फोर्टी थ्री के पास और वन फोर्टी सेवन ऑल्सो इन ऑडिट सिलेबस यू कैन मेक अ नोट टू दिस इफेक्ट वन फोर्टी थ्री

कंपनीज एक्ट के बारे में देख रहे थे आज पहले सिलेबस पहले क्लियर हो गया यानी मेरा एक मैट है वॉल्यूम वन बोलकर वो इस चीज को केटर करता है डायरेक्टर्स मैं अपने नोट्स से कराऊंगा और यहां से भी मार्किंग कराऊंगा और ये चार टॉपिक सीएमए मैट से होगा आपको इसकी यूट्यूब लिंक जाएगी जिसके पेन ड्राइव में ये उस समय रिकॉर्ड नहीं हुई थी बाद में चली जाती है तो ये मेरे से मंगवा लीजिएगा वंस यू फिनिश वॉचिंग ऑल अदर वीडियोज ओके नाउ लुक हेयर एवरी वन टाइप्स ऑफ कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी ये सब दिख रहा है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी ये सब मेरे नोट से होगा ये सारा मेरे नोट से होगा लिफ्टिंग व्हील इसको बोलते हैं बस ऐसे लिख के रख लीजिए एक बार आप आने वाले दिनों में मैं आपको जब नेक्स्ट इसकी वीडियो दूंगा ये मेरे नोट से यूज होने वाला है टाइप्स ऑफ कंपनीज माई नोट्स तो कल परसों ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इंड ऑफ कंपनीज ये मेरे नोट से होने वाले ये सारे जोन मेरे नोट से होने वाले हैं प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कैन यू फाइंड इट एवरी वन तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्ट्री वीडियो मैंने सी एमए के लिए आज डिजाइन किया ओपीसी ये सब मेरे नोट से होने वाले हैं प्लीज लिख आप लिख रहे हो प्लीज मैं आपको इंस्टीट्यूट मैट साथ में इंटीग्रेट करके चल रहा हूं ताकि आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़े ये लिखो माई नोट ये पूरा जोन नेक्स्ट चार पांच पन्ने ओपीसी भी माई नोट जितने हेडिंग्स है सब पे मेरे नोट्स का नाम लिखते जाइएगा आप ऑल आर फ्रॉम माई नोट्स ओके ये सब मेरे नोट्स से होने वाले हैं अच्छा यहां पर आओ ऑल ऑफ यू अभी तो वीडियो रुक जाएगी पर मैं आपको थोड़ा सा बता के भेज रहा हूं ये सब मेरे नोट से होने वाला स्मॉल कंपनी का इंस्टीट्यूट मैट में है वहां पर एक अमेंडमेंट आगे मैट में शायद गलत लिखा हुआ है कई एडिशन में मेरे एडिशन में गलत लिखा हुआ था ये फोर करोड़ कर लीजिएगा ये फोर्टी करोड़ कर लीजिएगा और वीडियो में भी कई बार मुंह से मेरी आदत हो जाती है दो करोड़ बीस करोड़ पढ़ाया हो लाइफ में तो मेक इट फोर करोड़ 40 करोड़ बाकी जैसे जैसे चेंजेस आएगा we'll ये 4 करोड़ एंड फोर्टी करोड़ दो हजार बाईस अगस्त सेप्टेंबर में ही चेंज हो गया था ये पर मैट इन लोग अपडेट नहीं करते हैं। तो ये फोर करोड़ एंड फोर्टी करोड़ लिख लीजिएगा तो आपको एक चीज बता दूं कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स आते हैं बट अमेंडमेंट्स इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाए जो आपने आज तक पढ़ा है वो सब कुछ काम आएगा बट अब आपको आने वाले क्लासेस में बहुत बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा तो ये वीडियो एक बार अभी अभी रुक जाएगी बट मैं इसी में क्लब करवा रहा हूं कल जो एक और क्लास पढ़ाऊंगा उसको इसी में ऐड करवा दूंगा ताकि मैं चाहता हूं एक डिटेल्ड कॉम्पोजिट क्लास आपको इंट्रोडक्शन का देखने को मिले जहां फिर से कंपनी के बारे में टाइप्स ऑफ कंपनी फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ोगे और एक चीज लिख लेना नोट्स में भी अमेंड कर लेना और अगर मुंह से कभी दो करोड़ बीस करोड़ निकल भी जाए उसको चार करोड़ चालीस करोड़ कर लेना ओके दिस इज ऑल फॉर दिस वेट फॉर टेन सेकेंड्स एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन हेलो बच्चों कैसे आप मैं सी एस सी संतोष कुमार मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ना जाए एट द द रीजनेबल कॉस्ट अंडर ब्रांड नेम ऑफ रिजनेबल प्राइवेट लिमिटेड मेरे बच्चों इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स से किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कंट्रोल्स आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कंट्रोल्स बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए